वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 6 जो कि शेड्यूल की गई है वो 17 जुलाई। इससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, और इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी उपचयन एवं अपचयन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमारे डेली लाइफ में कैसे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है या उसका हमारे लिए नुकसान है, ठीक है, ये चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि अगर आप लोहे की वस्तुओं को कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ देते हो तो उसमें क्या है, उसमें जंग लग जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि घर में जो खाना होता है वो कुछ समय बाद खराब होने लगता है, उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी, इन सब का कारण क्या है, इन सब का जो रीज़न है, इनके पीछे की जो साइंस है, उस साइंस को हम इस वीडियो में, इस वर्कशीट में कवर करने वाले हैं। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये एक तरह की क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इन अवर डेली लाइफ वी फाइंड सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन लाइक बर्निंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। दैनिक जीवन में ऐसी कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उपचयन और अपचयन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे कोयले का प्रेजेंस, जो एयर है उसकी प्रेजेंस में जलना, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्बस्चन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पे जंग लगना किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या मॉइस्चर जो है उसकी प्रेजेंस में। एंड अक्रेंस ऑफ फाउल स्मेल इन ऑयल और घी बाय हीटिंग एंड कूलिंग दैम रिपीटेडली, हमारे घी तेल है उसको बार बार गर्म ठंडा करने से या उससे बनी चीज़ों में क्या आने लगती है, फाउल स्मेल आने लगती है। वी हैव ऑफन सीन दैट ऑयली फूड इफ नॉट यूज विद इन अ लिमिटेड टाइम गिव बैड टेस्ट एंड स्मेल, दुर्गंध आने लगती है अगर सीमित समय में उसको यूज ना किया जाए। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन, जो खाना है वो हमारे खाने लायक भी नहीं रहता। And this is all due to the oxidation of oils and fats in the presence of food. यानी जो खाने के अंदर तेल है, वसा है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके कारण वो खाने लायक नहीं रहता। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। काफी ईजी है ये। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। सो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और जिनमें इसके विपरीत देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो रिडक्शन में क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, अपचयन में होगा कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगी। सो आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये ऑक्सीडेशन है। सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, सोडियम हाइड्राइड बन गया, ये अपचयन है यानी रिडक्शन है। अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, यानी हाइड्रोजन अगर निकलेगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, H2S प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर प्लस वाटर, यहाँ पर H2S यहाँ पर है तो यहाँ पर सल्फर बन रहा है, यानी इससे जो ये इसकी हाइड्रोजन थी ये निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चीजें इस रिएक्शन में हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गई तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन था और यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, MgO प्लस C मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर भी दोनों ही जो है उपचयन भी हो रहा है इस अभिक्रिया में और अपचयन भी हो रहा है। आप इजिली एग्जाम्पल इसका समझ सकते हो, जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलते हैं, हास होता है उनका, तो यानी वो क्या हो रहा है, वो उपचयन हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जिंक है, जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये जो है कैटायन फॉर्म हो गया, जिंक 2+, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो ये दोबारा जिंक बन जाएगा, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर
इसके अंदर अब चयन हुआ। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से जब ये नया उत्पाद जो है प्रोडक्ट बना, तो आप देख पा रहे हो ये ऑक्सीजन निकल गई, और ये ऑक्सीजन निकल के किसके साथ चली गई, हाइड्रोजन के साथ। यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकली तो क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। सो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी वो उपचयित हो रहा है अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। एंड इफ लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, यानी अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न्ड। अब हम देखेंगे कि आपने जो ऊपर अभी सीखा है क्या वो आपकी समझ आया है। अगर समझ आया है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन अपचयन में अंतर करना है, काफी इजी है। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो इसमें देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, इसमें दोनों आपस में जुड़े तो क्या बना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना यानी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन यानी अपचयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, थर्ड एग्जाम्पल, HCl प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म Cl2 प्लस वाटर। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे HCl है, यहाँ से जब इसमें नया उत्पाद बना है तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन निकल गई, यानी HCl के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन निकली है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका उपचयन हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। सो इसके अंदर क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई है, आप देख पा रहे हो इस वाली रिएक्शन में इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गई है, तो इसमें क्या हुआ, यानी ऑक्सीजन में आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ी है। सेम इसी तरह का एग्जाम्पल, और ये अभिक्रिया किस टाइप की है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं। अब इसमें देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस, देखिए ये रिपीट जो है एज इट इज लिख दिया गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक बना यानी ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन, यानी इसके अंदर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है यहाँ से, तो ये भी अभिक्रिया जो है यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इसका उपचयन हो रहा है कार्बन का, ठीक है, यानी इसका उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी अभिक्रिया कैसी है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट, नीना फाउंड दैट हर एंकलेट टर्न्ड ब्लैक आफ्टर फ्यू डेज, इन दिस प्रोसेस सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। सो नीना ने देखा कि उसकी चांदी की पायल कुछ दिनों में काली पड़ गई और इस क्रिया में चांदी का उपचयन हुआ है, अपचयन। तो देखो बच्चों, चांदी जो काली होती है उसके लिए कई गैसें जो है वो रिएक्ट करती हैं, लाइक ऑक्सीजन है हमारे एटमोसफेयर में, ठीक है, सल्फाइड गैस भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो इन सब से रिएक्ट करके ये चांदी जो है वो काली पड़ जाती है। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अपचयन हुआ, अपचयन हुआ, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बनता है, Ag2O, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर Ag2S भी बनता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है
जिसके कारण इसका उपचयन हो जाता है यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो आई होप आपको अब ये वर्कशीट क्लियर है, और अगर आप इसको समझ लेते हो तो कोई भी एग्जाम्पल हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड आप इजिली उसको सॉल्व कर पाओगे। सो अगर फिर भी कोई आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।